श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष में गुरुजी पंडित मिश्रा जी के द्वारा ग्राम कांटा कुकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में श्राद्ध स्पेशल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 23 सितंबर चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 20 से 24 सितंबर तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में बहुत सी गुरुजी ने रोचक जानकारियाँ दी हैं, साथ में कुछ उपयोगी पत्र पढ़े हैं। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने सभी से एक विशेष उपाय करने को कहा है जिसे आपको अपने घर पर ही आज रात को करना है। उसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज 23 सितंबर चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र और उपयोग की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सारे देवी देवताओं के लिए दिन देखना पड़ता है, पर महादेव को पाने के लिए दिन नहीं अपना दिल देखना। महादेव के पूजन आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। हर दिन आपको महादेव की पूजन करने का फल, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। प्रदीप जी पत्र लेकर आए। मैं दोनों आँखों से देख नहीं सकता था, मुझे दिखाई नहीं देता था। मेरी गांव की महिलाओं ने रोज मंदिर जाने को कहा और एक लोटा जल चढ़ाने को कहा। मैं अपने भाई और दोस्तों के सहारे मंदिर जाने लगा और जल चढ़ाने लगा और जल चढ़ाकर जल को आँखों में लगा लेता। दुनिया के लोग पूछते एक लोटा जल का क्या महत्व है, और जब मैंने जल चढ़ाकर आँखों से लगाया और बाबा की कृपा से मेरे दोनों आँखों की रोशनी वापस आई है और अकेला जाकर जल चढ़ाता हूँ और पंडाल में भी अकेला ही आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। राजेश्वरी जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी हुई और 4 दिन बाद दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो सोनोग्राफी हुई और पता चला मेरी बच्चेदानी में 3 गठाने हैं और डॉक्टर ने कहा दवाई देकर देखते हैं, पर आराम नहीं लगा तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पर ऑपरेशन के बाद तुम मां नहीं बन पाओगी। कुछ महीने दवाई खाने के बाद फिर से जांच कराई, फिर से गठाने बताई गईं। सासू माँ ने किसी से जल चढ़ाने को सुना तो मैंने जल चढ़ाना शुरू किया और मेरा गर्भ ठहर गया और मेरी संतान 7.5 महीने में होने वाली थी और हमने गुड़ वाला प्रयोग किया और जब जांचें हुई तो स्वस्थ संतान को मैंने जन्म दिया और गर्भाशय में गांठ भी नहीं थी, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आपके लाखों बेलपत्र चढ़ाने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, आपके हजारों लीटर दूध अर्पित करने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, आपके द्वारा ज़रूरतमंद की मदद करने से, आपके परिवार के लोगों की सेवा करने से, परिवार के लोगों की मदद करने से, अंत में आपके पास जितना बचा है चाहे एक बेलपत्र हो या 1 चम्मच दूध हो, उसे भी आप भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं तो भोलेनाथ उससे प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। आपको मंदिर में और कथा में हमेशा धक्का खाना चाहिए, आपको VIP पास लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में भोलेनाथ आपको धक्का खाने के लिए देंगे, कथा में आप धक्के खाने लगेंगे तो आप जीवन में कभी भी धक्के नहीं खाएंगे, ये निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत की पूजन के लिए मंदिर गए हैं और आप थाली में कुछ सामग्री भूल गए हैं, या आप जनेऊ भूल गए हैं, या आप सुपारी भूल गए हैं, या आप चंदन ही भूल गए हों, या माचिस भूल गए हों, आपके साथ आपके पड़ोसन भी आई है, उसने सभी सामान लाई है, फूल भूले हैं या चंदन भूले हैं, कोई सामग्री भूले हैं और सोच रहे हैं कि पड़ोसन से मैं थोड़ी से लेकर अर्पित कर देती हूँ, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा आपको नहीं करना है क्योंकि आपके ऐसा करने से महादेव सोचेंगे इसको मेरी क्या जरूरत, तभी आवश्यकता आने पर पड़ोसन से ही लेकर अपना कार्य कर लेती है। आपको बस 2 चीज़ों का पशुपतिनाथ व्रत में ध्यान रखना है, ये चीज़ जरूर ना भूलें, आपके घर का बनाए हुए प्रसाद और 6 दीपक। बाकी कोई सामग्री भूल भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रयास करें कि घर से निकलने से पहले एक बार सामग्री जरूर चेक करें। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। छाया साहू जी पत्र लेकर आई। मेरे पति प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, अचानक एक दिन उनकी नौकरी चली गई। हम बहुत परेशान हो गए क्योंकि उसी से हमारा घर चलता था। मेरी बहन ने शिव महापुराण के बारे में बताया, बहन के कहने पर कथा सुनना शुरू किया। बने ऐसी कृपा करी कि बाबा ने हमारी फैक्ट्री ही डलवा दी और हम जजमान बनकर बैठे हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। गुरु जी की ये जो शिव महापुराण कथा है ये कल 24 सितंबर को समाप्त हो जाएगी और इसके बाद गुरु जी की जो अगली शिव महापुराण कथा रहेगी वो 26 सितंबर से 2 अक्टूबर नंदगांव नासिक महाराष्ट्र में रहेगी। इस कथा का एड्रेस इस प्रकार है, साईगोल कंपनी, मनमाड़ रोड, हीसवल ब्रू, नांदगांव, जिला नासिक, महाराष्ट्र।
ये जो कथा है 2 अक्टूबर को समाप्त होने के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक 2024 में हापुर उत्तर प्रदेश में रहेगी और फिर 14 अक्टूबर से 20 अक्टूबर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में रहेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरी बेटी भुवनेश्वर बचपन से गूंगी है, मैं रोज शिव मंदिर जाती हूँ और शिव पर चढ़े हुए जल को बेटी को देती हूँ और अब मेरी बेटी ने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू भी कर दिया है, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की दसवीं जानकारी की ओर। गोमर सिन्हा जी पत्र लेकर आए, 2 साल पहले मेरा पर्स गुम गया था जिसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस और भी डॉक्यूमेंट थे। अभी हम कथा में आने वाले थे, बाबा से कामना करी थी कि मेरा पर्स मिल जाए और एक लोटा जल चढ़ा दिया और कथा में आने वाले थे, पर आने के पहले किसी का फ़ोन आया और बोला आपका पर्स मिल गया था। अब क्या कहें, बाबा की कथा में गुमा था और बाबा की कथा में ही मिल गया। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। थागेश जी पत्र लेकर आए, आपकी कथा सुनकर वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक शिवलिंग रखकर पूजन करने लगे और बाबा से नौकरी के लिए कामना कर ली और रोजगार सहायक में मेरी नौकरी लग गई। जो वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग रख के पूजन किया करता था, मुझे देखते देखते कई रोगी व्यक्ति भी वहां आकर जल चढ़ाने लगे और उस जल का आचमन करने लगे और उनको रोग मुक्ति प्रदान हो गई। कई लोगों को लाभ मिला तो सब कहने लगे कि इस वट वृक्ष में कुछ है, तो मैंने कहा वट वृक्ष में कुछ नहीं, शिव महापुराण में सब कुछ है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आज की कथा में गुरु जी ने पशुपतिनाथ पूजन की विधि बताई है जिसका हमने विस्तार से वीडियो बनाया है, जिसमें हम गुरु जी के अनुसार आपके वीडियो में पशुपतिनाथ व्रत का पूजन करते हुए नजर आएंगे। आप उस वीडियो को देखकर सुनकर आसानी से समझ पाएंगे। वीडियो की लिंक हमने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, आज की शाम या आज रात को आपको एक विशेष उपाय करना है। छठ तिथि श्राद्ध में श्राद्ध के दिनों में सोमवारी छठ होना चाहिए। इस विशेष उपाय को करने के लिए आज रात में आपको एक कटोरी में जल भरकर रख देना है। कहाँ पे रखेंगे, जहाँ आपका रसोई घर है, पानी का परिंदा है, जहाँ आप मटका भरकर रखते हो वहाँ पर बस आपको एक कटोरी पानी की रख देना है। यदि आपके पास भरपूर मात्रा में गंगा जल है तो आप एक कटोरी गंगा जल भी रख सकते हैं, नहीं तो आप एक कटोरी जल की रख दीजिए, कुछ बूंदे भी गंगा जल की डाल सकते हैं और एक बेलपत्र उस कटोरी के अंदर आपको डाल देना है। ये कटोरी रात भर आपको अपने मटके के पास रखी रहने देना है। फिर अगले दिन आपको सप्तमी तिथि के दिन सुबह के समय, मतलब कल के दिन 24 सितंबर के दिन सुबह के समय, वो कटोरी आपको स्नान करने के बाद पूरे घर में घुमा लेना है। अपने पूरे घर में घुमा लेने के बाद फिर उस कटोरी का जो जल है वो शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है और जो बेलपत्र है वो भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तो जो बेलपत्र की डंडी है वो जलधारी की ओर करते हुए ही अर्पित करें, इस बात का ध्यान रखें। आपके घर में कैसा भी पितृदोष होगा या घर में सुख शांति नहीं है, अशांति का माहौल बना हुआ है, समस्याओं पे समस्याएं आती जा रही हैं, घर का माहौल ठीक नहीं है, तो आप इस विशेष उपाय को ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में सुख शांति का आपको अनुभव होगा, साथ ही कितना ही बड़ा पितृदोष क्यों ना हो वो भी समाप्त होगा। ये श्राद्ध पक्ष का विशेष उपाय है, बहुत ही सरल और आसान उपाय है। इस उपाय को करने का मौका आपको आज के दिन शाम के समय मिलने वाला है। आज की कथा में बताए गए उपायों से संबंधित या जानकारी से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। आज का वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।